तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को इसमें बेसिकली कहते हैं कि ए बाउल फिल्ड विद हॉट सूप कूल फ्रॉम 98 to 86 इन 2 मिनट्स। देखिए आप इमेज में देख रहे हो कि एक बॉल है, इसमें सूप है, तो ये यहाँ से हीट एनर्जी निकलेगा, यहाँ से ऐसे हीट एनर्जी रेडिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि उसको कूल होने में, जो टेम्परेचर है कम होने में, 98 से 86 2 मिनट लग गया। कंडीशन नंबर फर्स्ट, वेन रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। हाउ लंग इट कूल फ्रॉम 75 से 69 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये बात आपको पता करना है, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करता हूँ, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो इसके दो इक्वेशन में पढ़ाया था, अगर आप थियरी देखे होगे तो दो, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस। तो मेडिकल वगैरह में और जेई मेंस वगैरह में एवरेज बहुत यूज होता है। तो एवरेज कूलिंग का इक्वेशन है T1 - T2, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस, और ये डिफरेंस होने में कितना टाइम लगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 + T2 का सम डिवाइडेड बाई 2, और माइनस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर T0 जो कि कांस्टेंट रहता है। तो पहले केस के लिए लगाता हूँ, तो T1 - T2 इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 98 से 86 हो गया, और कितने टाइम में हुआ भाई, 2 मिनट्स में, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 98 + 86 और डिवाइडेड बाय 2, -22, ठीक ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा 98 और ये 86, और यहाँ से 98, तो तुम देखोगे यहाँ से ये 12 आ गया, ठीक है। तो 12 बाई 2, ये 6 = k समथिंग, और ये आ जाएगा ये 70। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6/70। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी k हम निकाल लिए, और अगेन कंडीशन टू, जब कंडीशन टू इसमें लगाओगे, दूसरा वाला कंडीशन, कंडीशन टू, जब टेम्परेचर 75 से कितना कम हुआ भाई, 69 हुआ, ठीक है। तो 75 से अगर 69 कम हुआ तो देखो ये कितना होगा। तो 75 से अगर 69 कम हुआ है, तो पहला वाला जो टेम्परेचर है, तो 75 - 69 और डिवाइडेड बाई टी और सम कांस्टेंट के यहाँ से, तो 75 + 69 और डिवाइडेड बाई 2 - 22 यहाँ से। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 69 और 75, तो ये आ जाएगा 6/T और ये आ जाएगा 6/70, और इसको तुम जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 72 - 22, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 6 ने 6 को, तो ये आ जाएगा 70/T यहाँ से, तो 70/T यहाँ से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/5। 7/5 का मतलब होता है 1.4 मिनट्स। तो यहाँ से टी की वैल्यू 1.4 मिनट्स, ये वाली चीज़। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो 1.4 मिनट्स जो है ये, तो 1.4 मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है, ये वाली चीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।